हेलो एवरीवन वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ सीओए तो सीओए की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में अभी तक हम लोग ट्वेल्थ लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं दिस इज द लेक्चर ये थर्टींथ लेक्चर है जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन ये पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का ठीक है सो सी पी यू ऑर्गेनाइजेशन में uh, हम लोग जो है सी के बेसिक कॉम्पोनेंट डिस्कस करेंगे और सी के बेसिक कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके एल है रजिस्टर्स हैं कंट्रोल यूनिट है ठीक है थीके? तो रजिस्टर्स कौन कौन से मैंडेटरी रजिस्टर्स होते हैं इनसाइड द प्रोसेसर ओके और उसके बाद माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है ठीक है कौन सी मेमोरी आपकी फास्टेस्ट होती है ओके मेमोरी हर डायग्राम भी देखेंगे और सीपीयू परफॉर्मेंस टाइम uh, कैसे कैलकुलेट करता है ठीक है uh, ठीक है वो भी हम लोग देखेंगे और उस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं गेट में सिंपल वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा सारी वैल्यू आप, आप पुट कर दोगे आप उस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एक जगह दो क्वेश्चन मैंने भी लिए हुए हैं तो मैं भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा ठीक है जिससे कि आपको एक्जेक्टली आइडिया लग जाएगा कि कैसे उन क्वेश्चन को अप्रोच करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपने इस थर्टीन लेक्चर को जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और अगर इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हो सी की तो आप इस सी uh, के इन लेक्चर्स को इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को आप सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ ठीक है जितने लोगों तक पहुँचेंगे ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज सी की उतने लोग बेनिफिटेड हो पाएंगे उतने स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो पाएंगे मास्टर कॉन्सेप्ट से ठीक है सी के ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपना आजकल थर्टीन लेक्चर्स सी पी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जैसे आ, जो आपका कंप्यूटर की जो फंक्शनलिटी होती है वो होती है एग्जीक्यूशन ऑफ दी प्रोग्राम ठीक है सो अगर कंप्यूटर को अपनी इस फंक्शनलिटी को सेटिस्फाई करना है इस ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना है तो उसको थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स की जरूरत होती थी ठीक है वो आपका सीपीयू मेमोरी एंड आयो ठीक है सिमिलरली यहां पर जो आपके सीपीयू यानी प्रोसेसर की जो फंक्शनलिटी होती है वो होती है प्रोसेसिंग सो so, अगर प्रोसेसर को भी अपनी फंक्शनलिटी को सेटिस्फाई करना है अपने ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना है तो उसको भी थ्री बेसिक कॉम्पोनेट्स की जरूरत होती है ठीक है फर्स्ट वन इज वॉट रजिस्टर वन वन इज इज एंड थर्ड कंट्रोल यूनिट ठीक है तो ये बेसिक हैं आपके सीपीयू फंक्शनलिटी इज प्रोसेसिंग टू सेटिस्फाई दैट ऑब्जेक्टिव सीपीयू कंटेन थ्री बेसिक कॉम्पोनेट्स ओके नेम एज रजिस्टर्स ए एल यू एंड कंट्रोल यूनिट ओके तो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहां पे डिस्कस करूंगा मैं रजिस्टर ठीक है so, सो रजिस्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है रजिस्टर फंक्शनलिटी स्टोरेज ये भी एक मेमोरी है ठीक है तो उसकी फंक्शनालिटी क्या है स्टोरेज है इट इज़ यूज टू होल्ड दी फ्रिक्वेंटली रेफर्ड डेटा ओके जो भी फ्रिक्वेंटली रेफर्ड डेटा जिनका प्रोसेसर फ्रिक्वेंटली बेसिस पे यूज कर रहा है उनको होल्ड करने के काम में आता है सो so, तो ठीक है तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम uh, की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर जाती क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता अगर सी को uh, जो फ्रिक्वेंटली रेफर्ड डेटा है वो रजिस्टर्स में मिल जाता है ठीक है तो मेमोरी में सर्च करने का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता ठीक है सो परफॉर्मेंस करने, इंक्रीज करने के लिए हम लोग रजिस्टर्स यूज करते हैं ठीक है सो इट इज यूज्ड टू होल्ड डेटा। सो मेमोरी डायग्राम में अगर अगर आप देखोगे तो रजिस्टर्स सबसे टॉप पर होते हैं रजिस्टर्स मेरे क्या होते हैं सबसे टॉप पर होते हैं सबसे टॉप पर रजिस्टर्स होते हैं फिर आपके कैसे मेमोरी होती है फिर आपके मेन मेमोरी होती है Then, आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है ठीक है तो अगर साइज की बात करोगे तो रजिस्टर सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है, होते हैं ठीक है तो साइज ठीक है बॉटम टू अब क्या होता है डिक्रीज होता है कॉस्ट की बात करोगे तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है रजिस्टर सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं इंक्रीज होती है कॉस्ट आपकी ठीक है अंडरस्टूड एक्सेस टाइम की बात करोगे तो एक्सेस टाइम जो है आपका एक्सेस टाइम आपका क्या होता है डिक्रीज होता है बॉटम टू टॉप सबसे कम एक्सेस टाइम रजिस्टर को एक्सेस करने में लगता है डिक्रीज होता है ठीक है इसलिए आपके रजिस्टर्स क्या है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है उसके बाद फिर कैश मेमोरी को एक्सेस करने में कम टाइम लगता है उसके बाद मेन मेमोरी को सबसे ज्यादा टाइम लगता है सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने में ठीक है तो ये आपका मेमोरी हरार की डाइग्राम है थ्री पैरामीटर्स के बेसिस पर मैंने इसको आपको बता दिया कॉस्ट सबसे ज्यादा कॉस्टली आपके रजिस्टर्स होते हैं सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपके रजिस्टर्स होते हैं क्योंकि एक्सेस रजिस्टर्स को एक्सेस करने में सबसे कम टाइम लगता है सीपीयू को ठीक है अगर कोई डेटा आपके रजिस्टर में पड़ा होगा तो कम टाइम में एक्सेस कर लेगा आपका प्रोसेसर साइज आपकी डिक्रीज होती है ठीक है रजिस्टर का जो साइज होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती है रजिस्टर सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं ठीक है ठीके? तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने, हैं ये मेमोरी हरार की डायग्राम है आपका ठीक है डायग्राम है आपका ये ये मेमोरी हरार की डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए जो जो आपका प्रोसेसर और मेमोरी के बीच कम्युनिकेशन गैप था क्योंकि प्रोसेसर आपका फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट ठीक है है और मेमोरी आपकी स्लोएस्ट है ठीक है सो so, आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस था वो डिक्रीज हो रहा था कम्युनिकेशन गैप आ रहा था कहीं ना कहीं तो उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए हम लोग मेमोरी हरार की डायग्राम लेकर आए ठीक है, है तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी हरार की डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी तो तो आपका आंसर होना चाहिए टू फिल द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी मेमोरी हजार की डायग्राम की जरूरत पड़ेगी अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो ओके टू फिल द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस्टम और प्रोसेसर भी कह सकते हो ठीक है सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप जो था जिसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज कर रही थी उसको क्यों डिक्रीज कर रही थी क्योंकि सीपीयू आपका फास्टेस्ट था मेमोरी आपकी स्लोएस्ट

ठीक है वो कौन कौन से होते हैं मैंडेटरी रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं मैंडेटरी मैंडेटरी रजिस्टर्स रजिस्टर्स ओके में कौन -कौन, कौन कौन से होते हैं आपके ठीक है कौन कौन से होते हैं प्रोग्राम काउंटर ठीक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रजिस्टर एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड एम बी आर और इसको एमडीआर भी कह सकते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कह सकते हैं ठीक है सो फाइव मैंडेटरी रजिस्टर्स हैं ठीक है वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव मैंडेटरी रजिस्टर्स हैं आपके ठीक है जो आपके प्रोसेसर में डिजाइन होते हैं ठीक है प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू होल्ड दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस बट मैंने आपको बताया था प्रोग्राम काउंटर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम भी होल्ड करते हैं ठीक है और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दी प्रोग्राम प्रोग्राम काउंटर को मैं ऑटोमेटिकली नहीं आती थी, ठीक है ये आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामर ठीक है उसके बाद प्रोग्रामर ने जो स्टार्टिंग एड्रेस दिया

ठीक है स्टेप साइज क्या होता है जो आपका आइटम जो भी डेटा का साइज होता है उससे वो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता रहता है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू आती रहती है ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट प्रोग्राम काउंटर आपको पता चल गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ठीक है जो भी करंटली फेस इंस्ट्रक्शन होता है ठीक है उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखते हैं टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन ठीक है ऑप कोड को डिकोड डिकोड करना पड़ेगा टू नो द टाइप ऑफ द ऑपरेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑप कोड को डिकोड करना पड़ेगा ठीक है सो so, जो भी करंटली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको भी सीपीयू आपका इंस्ट्रक्शन फेच फेच साइकिल के थ्रू करता है मेमोरी से ठीक है उसको हम लोग कहां रखते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखते हैं टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन ठीक है सो so, ये आपको मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही लिख दिया यहाँ पे इट इज यूज टू होल्ड द करंटली फेस्ड इंस्ट्रक्शन टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ओके इज प्री डिफाइंड इन दिस रजिस्टर ओके

ये जो आपके मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे एड्रेस लाइन ऑफ सिस्टम बस सिस्टम बस की जो एड्रेस लाइन होती है उनसे कनेक्ट होते हैं ठीक है ठीके? तो वही लिखा हुआ है इट इज कनेक्टेड टू सिस्टम बस एड्रेस इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ ए रीड और राइट ऑपरेशन इन मेमोरी मेमोरी का लॉजिकल व्यू हम लोग देख चुके हैं ठीक है ठीके? तो मेमोरी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होती है उन पार्ट्स को मेमोरी सेल कहते हैं हर एक मेमोरी सेल पे ठीक है हम लोग रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो एम में क्या होगा उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल का एड्रेस होगा ठीक है एड्रेस लाइन में उस पर्टिकुलर मेमोरी सेल का एड्रेस होगा जहां पर सीपी को रीड और राइट करना है ठीक है एम यानी मेमोरी वफर रजिस्टर और एमडीआर ये आपके डेटा लाइन से कनेक्टेड होती है ठीक है इट इज कनेक्टेड टू द डेटा लाइन ऑफ द सिस्टम बस इट इज कनेक्टेड टू दी सिस्टम बस डेटा लाइन्स ओके ये सिस्टम बस से कनेक्टेड होती है आपके डेटा लाइन से ओके okay? अंडरस्टूड सो so, ये आपके फाइव रजिस्टर्स हैं हमारे मैंडेटरी रजिस्टर्स हैं जिनको आपको याद रखना है एम ए आर एम बी आर आई आर पी सी ए सी ए सी सी एकूमलेटर रजिस्टर दी जाता है फाइव और भी रजिस्टर्स होते हैं बट दी जाता मैंडेटरी रजिस्टर्स ओके जिनके बिना सी uh, पी प्रोसेस नहीं कर सकता किसी प्रोग्राम को ठीक है तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता इंस्ट्रक्शन को ठीक है सो सी पी यू टाइम कैलकुलेशन ठीक है सीपीयू टाइम कैसे कैलकुलेट करता है ठीक है सपोज को कोई प्रोग्राम दिया गया एग्जीक्यूट करने के लिए तो वो प्रोग्राम कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा ठीक है ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सो एग्जीक्यूशन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोसेसर का ठीक है एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ठीक है वो पता होना चाहिए देन मल्टीप्लाइड बाई सी पी आई साइकिल पर इंस्ट्रक्शन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन ओके okay, एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना साइकिल लग रहा है देन साइकिल टाइम देन आपका साइकिल टाइम ओके सो यहां पर एक फॉर्मूला और निकल के आता है आपका ये भी आपको याद रखना चाहिए ठीक है साइकिल टाइम आपका जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन अपॉन क्लॉक फ्रिक्वेंसी वन अपॉन क्लॉक फ्रिक्वेंसी ठीक है तो ये फॉर्मूला आपका बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए ठीक है तो अगर ये चीजें आपको बताएं फॉर्मूला बताए तो आप आराम से इस जो भी न्योमेरिकल बनते हैं आपके क्या ठीक है आपके इस सीपी यू परफॉर्मेंस सीपीयू टाइम कैलकुलेशन पर वो आप कर सकते हो ठीक है बहुत आराम से कर सकते हो आप ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर मैं इसको कराने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ यहां पर ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जीक्यूशन सिक्वेंस बता देता हूँ ठीक है एग्जीक्यूशन सिक्वेंस इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूशन सिक्वेंस यूजिंग ये भी इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूशन सिक्वेंस ओके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सिक्वेंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सिक्वेंस यूजिंग द माइक्रो ऑपरेशंस यूजिंग माइक्रो ऑपरेशंस यूजिंग दी माइक्रो ऑपरेशन ओके तो यह भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहीं कहीं आपके पूछ लेते हैं ठीक है आपके पी एस सी यूज वगैरह में ठीक है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सिक्वेंस यूजिंग द माइक्रो ऑपरेशन सो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू होगी ठीक है सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू होगी उसके बेसिस पर सीपीयू क्या करेगा मेमोरी रिक्वेस्ट क्रेट करेगा ठीक है तो जो भी वैल्यू होगी उसको एमएर रजिस्टर में मेमोरी आइड्रेस रजिस्टर में डालेगा जो भी यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस होगा उसके बेसिस पे ये मेमोरी में रेफरेंस लेगा ठीक है मेमोरी में क्या लेगा रेफरेंस लेगा ठीक है सपोज यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन है ठीक है सपोज यहाँ पे आपका क्या है बाइनरी सिक्वेंस इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है बाइनरी सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर मेमोरी सेल में बाइनरी सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इसको यहाँ से फेच करेगा और कहाँ पे डालेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालेगा ठीक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको यहां से फेच करेगा और स्टोर करेगा कहां पर आपका एम बी आर और आई आर में ठीक है स्टोर कर देगा कहां पर एम बी आर मेमोरी बफर रजिस्टर में और एम डी आर में ठीक है उसके बाद इसको आई आर में डालेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालेगा यहाँ पे प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट है यहाँ पर ऑप कोड जहाँ पे डिकोड होगा और यहाँ पे एड्रेस फील्ड होगी तो यहाँ पे ये यह डिकोड decode होगा डिकोडर इसको क्या करेगा डिकोड करेगा जब ये डिकोडर जब डिकोड हो जाएगा तो एयरली ऑपरेशन परफॉर्म होगा एयरली ऑपरेशन परफॉर्म होगा ठीक है एयरली ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एर्ल से आपका क्या होता है डायरेक्टली ए सी सी अटैच होता है एकोमेटर रजिस्टर अटैच होता है जो यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर होता है जो भी एक्स्ट्रा बिट्स आएंगी वो आपका पी एस डब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड स्लैश फ्लैग में स्टोर हो जाएंगी ठीक है जो हम लोगों ने डिस्कस कैरी ऑक्जलरी कैरी ओके तो यहां पर वो स्टोर हो जाएगी तो ये आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन सिक्वेंस है यूजिंग द माइक्रो ऑपरेशन ओके यूजिंग द माइक्रो ऑपरेशन कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशन और लिख लेते हैं आपके माइक्रो ऑपरेशन क्या होती हैं? ठीक है माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं आपके माइक्रो ऑपरेशन जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं ठीक है सो आपके जो माइक्रो ऑपरेशन होते हैं वो आपका क्या होता है माइक्रो ऑपरेशन इज ए बेसिक रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन इज ए माइक्रो ऑपरेशन इज ए बेसिक रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन माइक्रो ऑपरेशन इज ए बेसिक रजिस्टर To register transfer operation. It is also known as atomic operation. It is also known as atomic operation. Okay. It takes one cycle. वन साइकिल टू कंप्लीट वन माइक्रो ऑपरेशन ओके सो माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली क्या होते हैं सपोज सीपीओ ने कोई इंस्ट्रक्शन को फ्रेच किया ठीक है सो so, वो इंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा एक साथ एक्टिक्यूट नहीं होता वो क्या करता है इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे ऑपरेशन एटोमिक ऑपरेशन में डिवाइड कर लेता है जिनको हम लोग माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं माइक्रो ऑपरेशन आपका क्या register register होता है बेसिक रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन होता है ठीक है सो उसके बाद आपका माइक्रो प्रोग्राम में छोटे छोटे माइक्रो ऑपरेशन में डिवाइड कर लेता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो ठीक है ऑटोमिक ऑपरेशन और माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो ठीक है इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हो इनको ठीक है ठीक है माइक्रो इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर लेता है प्रोग्राम क्या होता है आपका माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है आपका ठीक है माइक्रो प्रोग्राम इज ए सिक्वेंस ऑफ सिक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन ओके माइक्रो प्रोग्राम इज ए सिक्वेंस ऑफ सिक्वेंस ऑफ सिक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन ओके सपोज एक कोई आपको ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल एक्जीक्यूट करनी है सो so, इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने आपके माइक्रो ऑपरेशंस uh, बनेंगे ठीक है सबसे पहले कितने माइक्रो ऑपरेशन बनेंगे टी वन टी टू से से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग माइक्रो ऑपरेशंस को सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग कहाँ डाल देंगे एम में डाल देंगे ठीक है सेकंड आपका माइक्रो ऑपरेशन कौन सा बनेगा माइक्रो इंस्ट्रक्शन कौन सा बनेगा ठीक है एम में जो भी पड़ा होगा उसको वहाँ से फर्स्ट करके हम लोग कहाँ डाल देंगे एम बी आर स्लैस एम डी आर में डाल देंगे ठीक है ठीक है मेमोरी रिफ्रेंस लेके उसको कहाँ डाल देंगे एम बी आर स्लैस एम डी आर में डाल देंगे ठीक है टी में क्या होगा एम बी आर से स्लैस एमडीआर से हम लोग उसको कहां डाल देंगे आई आर में डाल देंगे डिकोड करने के लिए और जो चौथा माइक्रो ऑपरेशन बनेगा इंस्ट्रक्शन फेच आ, को कंप्लीट करने के लिए पीसी की वैल्यू को क्या कर देंगे इंक्रीमेंट कर देंगे टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी बाई वन ओके जो भी स्टेप साइज होगा उससे उसको इंक्रीमेंट कर देंगे सो so, ये आपका ये आपके इंस्ट्रक्शन फेच जो साइकिल है जो इंस्ट्रक्शन फैच आपकी साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए इतने माइक्रो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी ठीक है सो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया मैंने आपको कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह या माइक्रो ऑपरेशन क्यों बताया क्योंकि कंट्रोल यूनिट जब डिस्कस करेंगे ना तो कंट्रोल यूनिट में फिर हम लोग कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह डिस्कस करेंगे ठीक है सो इन माइक्रो ऑपरेशन के लिए फिर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है वो कंट्रोल सिग्नल फिर एल यू पर हार्डवेयर मशीन पे इंप्लीमेंट होते हैं एल के पास जाते हैं फिर वो एल ऑपरेशन परफॉर्म कर देती है सो so ये तरीका है आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेसर का ठीक है सो माइक्रो ऑपरेशन जब भी इंस्ट्रक्शन जब भी प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पूरे इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करता वो छोटे छोटे माइक्रो इंस्ट्रक्शन या एटॉमिक ऑपरेशन में डिवाइड कर लेता है माइक्रो ऑपरेशन बेसिक रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन है ठीक है इट टेक्स वन साइकिल टू कंप्लीट वन माइक्रो ऑपरेशन माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं माइक्रो प्रोग्राम इज अ सिक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन ठीक है जैसे कि इंस्ट्रक्शन फर्स्ट साइकिल है तो कितने उसमें माइक्रो ऑपरेशन बनेंगे ये पूरा माइक्रो प्रोग्राम का लगाएगा कितने माइक्रो इंस्ट्रक्शन in, बनेंगे उसमें ठीक है टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जब ये सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे तो एक इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो इन इन माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए फिर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट फिर वो कंट्रोल सिग्नल जो है आपके एल यू हार्डवेयर मशीन पर इंप्लीमेंट होते हैं टू परफॉर्म दी एल यू ऑपरेशन तो आई थिंक अब आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे समझ में आ गई होगी ठीक है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि यहाँ पे करा देना चाहिए आपको बढ़िया क्वेश्चन है ये ठीक है तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऑफ ए प्रोसेसर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं सिंपली उस फॉर्मुले पर बेस्ड है जो मैंने आपको बताया था साइकिल टाइम प्रोपोर्शनल होती है वन अपॉन क्लॉक फ्रिक्वेंसी ठीक है और सीपीयू टाइम कैलकुलेशन कैसे करता है एग्जीक्यूशन टाइम कैसे कैलकुलेट करता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट uh, uh, कर, एग्जीक्यूट uh, करने के लिए जितने सपोज कि जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है हर एक इंस्ट्रक्शन कितना सीपीआई ले रहा है फिर साइकिल टाइम कितना है ठीक है वो सब आपको गिवन रहेगा आपको बस फार्मूला यूज़ करके उसको यूज कर लेना है द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऑफ ए प्रोसेसर यूजिंग ए डिजाइन डी टेक्स टू टी साइकिल्स कंपेयर टू टी साइकिल्स टेकन बाय द फिक्सड पॉइंट यूनिट टेकन बाय द फिक्स देर आर टू मोर डिजाइन सजेशन डी वन एंड डी टू ठीक है एक डिजाइन है आपका डी जो भी गिवेन है उसको लिखते चलो जिससे कि क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा एक डिजाइन डी है टेक्स टू टी साइकिल्स कंपेयर टू टी साइकिल्स ओके टेकन बाय द फिक्स पॉइंट यूनिट टू टी साइकिल्स ओके कंपेयर टू टी साइकिल्स

डिजाइन है D1 यूजेस थर्टी परसेंट मोर साइकिल्स फॉर फिक्स पॉइंट यूनिट ओके थर्टी परसेंट मोर साइकिल्स थर्टी परसेंट मोर साइकिल्स फॉर फिक्स पॉइंट ये लिख लोगे तो आपको गलती होने के चांसेस कम रहेंगे ठीक है मोर साइकिल्स फॉर फिक्स पॉइंट यूनिट बट थर्टी परसेंट लेस साइकिल्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और थर्टी परसेंट लेस साइकिल ठीक है लेस साइकिल्स फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ठीक है डी वन डिजाइन के बारे में इंफॉर्मेशन थी डी टू डिजाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है डी टू डिजाइन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है डी टू यूजेस फोर्टी परसेंट लेस साइकिल्स फॉर फिक्स पॉइंट यूनिट फोर्टी परसेंट लेस साइकिल्स मार्क्स का क्वेश्चन था फॉर फिक्स पॉइंट यूनिट बस एक बार लिख लोगे तो फिर बाद में सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है आपको ठीक है बट टेन परसेंट मोर साइकिल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट टेन परसेंट मोर साइकिल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ठीक है सो so, सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली यहां पर एज कंपेयर्ड टू डिजाइन डी ठीक है किससे कंपेयर किया जा रहा है इनको डिजाइन डी से ठीक है फॉर ए गिवन प्रोग्राम व्हिच हैज 80% फिक्स्ड पॉइंट ऑपरेशंस एंड 20% फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस ठीक है किसी भी प्रोग्राम में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कितने हैं ऑपरेशंस कितने हैं

साइकिल uh, टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके क्लॉक फ्रीक्वेंसी के किसके क्लॉक फ्रीक्वेंसी के ठीक है सो देख लेते हैं यहाँ पे साइकिल टाइम पहले डी डी डिजाइन डी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं डिजाइन डी में एट्टी परसेंट जो है फ्लोटिंग जो ऑपरेशन है एट्टी परसेंट फ्लोटिंग पॉइंट है और फिक्स पॉइंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट मतलब पॉइंट टू है तो एग्जीक्यूशन टाइम डिजाइन डी का कैसे निकालोगे भाई सिंपल है तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 2T साइकिल ले रहा है तो फ्लोटिंग पॉइंट कितना है 80% 80% का मतलब 0 .8 0 .8 into 2T प्लस फिक्स पॉइंट ऑपरेशंस कितने हैं 20% मतलब .2 और उसके लिए कितना टाइम ले रहा है T साइकिल ले रहा है ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 1.6T plus .2T ठीक है 1.6 प्लस पॉइंट टू टी कितना हो जाएगा ये आपका वन पॉइंट एट टी साइकिल्स ओके वन पॉइंट एट टी साइकिल्स अंडरस्टूड तो डिजाइन डी वन का डिजाइन डी का एग्जीक्यूशन टाइम आ गया ऐसे ही आप डिजाइन डी वन का निकालो डिजाइन डी वन का निकाल देते हैं डिजाइन डी वन का निकालते हैं यहां पे अलग से एग्जीक्यूशन टाइम ठीक है एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ डिजाइन डी वन ठीक है सो एट्टी परसेंट आपके फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है सो पॉइंट एट ठीक है डिजाइन डी वन थर्टी परसेंट मोर साइकिल ले रहा है थर्टी परसेंट लेस साइकिल्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट थर्टी परसेंट लेस साइकिल्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ठीक है एज कंपेयर एज कंपेयर टू डिजाइन डी डिजाइन डी कितना ले रहा था टू टी टू टी और ये थर्टी परसेंट लेस ले रहा है तो पॉइंट थ्री इन टू टी ठीक है टू टी का थर्टी परसेंट लेस ठीक है प्लस पॉइंट टू ओके पॉइंट टू और क्या है थर्टी परसेंट मोर साइकिल्स फॉर फिक्स पॉइंट थर्टी परसेंट मोर साइकिल्स फॉर फिक्स पॉइंट सो टी ले रहा था डिजाइन डी ये थर्टी परसेंट मोर ले रहा है पॉइंट थ्री टी ठीक है कैलकुलेट करो कितना आएगा पॉइंट एट ये आ जाएगा पॉइंट सिक्स वन पॉइंट फोर टी ठीक है प्लस पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट थ्री टी ठीक है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो वन पॉइंट फोर टी इंटू एट पॉइंट एट इंटू पॉइंट एट ठीक है इंटू पॉइंट एट एट फोर या थर्टी टू एट वन या एट एंड थ्री एट वन जाट एंड थ्री एलेवन 11, ओके सो डेसिमल कितने के बाद आएगा आपका एट फोर जा थर्टी टू टू एट वन एंड थ्री 11, तो so, दो के बाद डेसिमल वन पॉइंट वन टू टी प्लस यहां पे कितना हो जाएगा वन पॉइंट थ्री एंड पॉइंट टू थ्री टू जा सिक्स और टू वन जा टू 0 .26, 0 .26 तो कितना हो जाएगा आपका ये वन पॉइंट वन टू एंड पॉइंट टू सिक्स एट थ्री वन पॉइंट थ्री एट कितना हो जाएगा आपका ये वन पॉइंट थ्री एट टी साइकिल्स डिजाइन डी वन के लिए अच्छा डिजाइन डी टू के लिए निकाल लो डिजाइन डी टू के लिए निकाल लो भाई तो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ डिजाइन डी टू वैसे निकलेगा फिक्स पॉइंट एट्टी परसेंट है तो so, वैसे वो इतने डिजाइन डी टू में फ्लोटिंग पॉइंट टेन परसेंट मोर साइकिल्स टेन परसेंट मोर साइकिल्स ओके सो टेन परसेंट मोर साइकिल टू टी प्लस इंटू टू टी प्लस पॉइंट टू फिक्स पॉइंट के लिए क्या कर रहा है वो फिक्स पॉइंट के लिए फोर्टी परसेंट लेस साइकिल्स फॉर फिक्स पॉइंट फोर्टी परसेंट लेस साइकिल फॉर फिक्स पॉइंट सो ये टी ले रहा था माइनस माइनस पॉइंट सिक्स टी में फोर्टी परसेंट लेस फोर्टी परसेंट लेस ओके सो यहां पर पॉइंट फोर माइनस पॉइंट फोर टी इस पूरे को कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा पॉइंट एट ये कितना हो जाएगा पॉइंट टू ओके टू टी प्लस पॉइंट टू टू पॉइंट टू टी ओके प्लस पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट सिक्स टी सो कितना हो जाएगा टू पॉइंट टू इन टू पॉइंट एट एट टू जे सिक्सटीन वन एट टू जर सिक्सटीन वन सेवनटीन सो वन पॉइंट सेवन सिक्स 1.76 प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा 0.2 एंड 0.6 1.2 0 1.2 0.12 0.12 नॉट 1.2 0.12 0.12 कितना हो जाएगा ये एट सेवन वन एट के वन पॉइंट एट एट टी साइकिल्स किसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है किसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है ठीक है वन पॉइंट साइकिल्स है आपका डी का ठीक है डी वन का वन पॉइंट थ्री एट है डी टू का वन पॉइंट एट एट है ठीक है तो सबसे कम किसका है डी वन का है सबसे कम किसका है डी वन का है तो डी वन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होगी फिर किसका है डी का है फिर सबसे ज्यादा किसका है डी टू का है वन पॉइंट एट एट है सो so, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है वो फास्टेस्ट होगा तो डी वन का सबसे कम है ठीक है उसके बाद फिर डी का है फिर सबसे ज़्यादा डी टू का है ठीक है तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया ठीक है ऑप्शन बी सी डी ये सब रॉन्ग हो गया ठीक है तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया ठीक है सो अगर आप उसको नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लो ठीक है क्वेश्चन को आप नोट कर लो ठीक है तो कैसे अप्रोच किया आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है, so, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है जिनको आपको कैलकुलेशन करना है ठीक है सो अभी तक हम लोग कितने लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं वन टू थ्री फोर डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं सारे जितने भी मास्टर कॉन्सेप्ट्स थे वो ले चुके हैं क्वेश्चंस लगा चुके हैं ठीक है थीके? हर बार हर लेक्चर के बाद रिवीजन देता हूं मैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कर चुके हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कर चुके हैं

और यहां पर ये टू और थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है ठीक है तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं यहाँ से क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं हम लोग ठीक है उसके बाद हम लोग फ्लैग भी डिस्कस कर चुके हैं फ्लैग से क्वेश्चन भी लगा चुके हैं कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लैग्स सिक्स कंडीशनल फ्लैग्स भी डिस्कस कर चुके हैं वो कब सेट होंगे कब रिसेट होंगे ठीक है उनका स्टेटस कब चेंज होगा एड्रेसिंग मोड भी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स के ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडेक्स ठीक है इमीडिएट एम्प्लाइड सब डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव ओके सब डिस्कस कर चुके हैं कौन किसके लिए इंप्लीमेंट होता है वो भी डिस्कस कर चुके हैं एलिवेंथ लेक्चर में भी जो बच्चों के एड्रेसिंग मोड्स थे वो डिस्कस किए और उनके क्वेश्चन लगाए हम लोगों ने इंट्रप्ट डिस्कस किया इंटरप्ट के भी क्वेश्चन लगाए ठीक है कितने टाइप के इंट्रप्ट होते हैं ठीक है कौन से मास्केबल होते हैं कौन से नॉन मास्केबल होते हैं ठीक है थीके? वो भी डिस्कस किया हम लोगों ने सी ऑर्गेनाइजेशन ओ थर्टीन लेक्चर में हम लोगों ने रजिस्टर डिस्कस किए माइक्रो ऑपरेशन डिस्कस किए माइक्रो प्रोग्राम डिस्कस किया ठीक है आपका सी टाइम कैलकुलेशन डिस्कस किया एक नोमरिकल भी किया कि कैसे पता करेंगे कि, 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 कि किस प्रोसेसर की स्पीड फास्ट है ठीक है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी एग्जीक्यूशन टाइम निकालोगे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग और अपना काम कर लोगे ठीक है तो और भी क्वेश्चन है वो तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको करा दिया और भी क्वेश्चन है जहां पर डायरेक्टली आप फॉर्मूला में आंसर वैल्यूज पुट करोगे वैल्यू को आइडेंटिफाई करके आपसे हो जाएंगे ठीक है सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल यूनिट क्या डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल यूनिट डिस्कस करने वाले हैं सो so पहली कंट्रोल यूनिट आपकी क्या होती है माइक्रो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो माइक्रोपोग्राउंड कंट्रोल यूनिट ठीक है तो कंट्रोल यूनिट थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दे देता हूं ठीक है नेक्स्ट लेक्चर से पहले कंट्रोल यूनिट बेसिकली यूज क्यों करते हैं टू जनरेट दी कंट्रोल सिग्नल जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्न है माइक्रो ऑपरेशन है उनको अगर हार्डवेयर मशीन एल यू पे इंप्लीमेंट करना है तो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने पड़ेंगे और उस वो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल सिग्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्रोल सिग्नल आपके दो टाइप के होते हैं हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम ठीक है दोनों से ही गेट में क्वेश्चन आ चुके हैं आते भी हैं ठीक है थीके? सो वो भी डिस्कस करेंगे कि, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है ठीक है और आपकी जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है हॉरिजोंटल में यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा रिव्यू दे देता हूँ ठीक है हॉरिजोनटल में और वर्टिकल में रिव्यू क्यों दे रहा हूँ जिससे कि आप भी थोड़ा सा पढ़ पढ़ के आए और जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ वो मेरे साथ आप भी करें ठीक है बाकी तो महा महाकॉन्सेप्ट में मैं इसका जो भी मास्टर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दूंगा ही दूंगा उसके बाद फिर 16 लेक्चर और 17 और 18 में पाइपलाइनिंग देन 19 में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है देन 20 में डीएम है तो ये पूरा मैं हर बार आपको लास्ट में लेक्चर के लास्ट में बता देता हूँ कि क्या सिक्वेंस रहने वाला है कौन कौन से टॉपिक नेक्स्ट आने वाले हैं ओके सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट ठीक है इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को सी की आप सारे दोस्तों में फैला दो ठीक है जिससे कि सारे बच्चे बेनिफिटेड हो सकें और उनको पता चल जाए कि पंकज मिश्रा सर जो है आई मास्टर की uh, के प्लेटफॉर्म पर लाइव uh, क्लास ले रहे हैं ठीक है मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ले रहे हैं सी की ओके थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स